श्री मैड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज व गरिमा फाउंडेशन के तत्वाधान में 3 दिवसीय मोक्ष दायिनी श्रीमद भगवत कथा का आयोजन हुआ। श्री मैड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज व गरिमा फाउंडेशन के तत्वाधान में मोक्ष दायिनी श्रीमद भगवत गीता कथा का 3 दिवसीय आयोजन दुर्ग के ब्राह्मण पारा सोनी भवन में किया जा रहा है, जिसमे कथा सुनाने श्री हित राधा गोविंद शरण और आचार्य श्री प्रमोद द्विवेदी आए हैं। इस अवसर पर आयोजन में स्वर्णकार समाज द्वारा आए अतिथियों का फूलों से स्वागत कर सम्मान किया गया। वहीं समाज की महिलाओं द्वारा इस कथा आयोजन में पारंपरिक वेशभूषा में पहुंची तो वहीं समाज की नन्ही बालिका द्वारा गणेश वंदना की प्रस्तुति कर कथा का शुभारंभ किया गया। अभिनंदन है, गणेश वंदना के साथ श्री गणेश करने जा रहे हैं। हंसी का हमारे बीच में अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे शहर विधायक अरुण वोरा ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाने आए आचार्य से आशीर्वाद लिया और समाज के हर कार्य शामिल रहने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर श्री मारवाड़ी मैड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज और गरिमा फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कृपा हम सबके ऊपर हमेशा बनी रहे। मनुष्य जीवन में हम लोग आए हैं, इस जीवन की सार्थकता इस बात में है कि हम लोग एक दूसरे के काम आए। कभी भी हमारे द्वारा कोई ऐसा कार्य न हो जिससे किसी की भावनाओं को दुख पहुंचता हो, ये मेरा सौभाग्य है। श्री मैड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज दुर्ग एवं गरिमा फाउंडेशन एक कदम सेवा की ओर के द्वारा आयोजित मोक्षदायिनी श्रीमद् भगवद गीता जो तीन दिनों तक यहाँ पर इसका वाचन होगा, ज्ञान यज्ञ होगा, उसमें आने का सौभाग्य स्वर्णकार समाज ने मुझे दिया है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन बहुत अमूल्य है, बहुत कीमती है, बहुत दुर्लभ है। इसे सहज कर और संभाल कर रखना है। बार बार मनुष्य का जीवन नहीं मिलता और जब तक हम इस संसार में हैं हम लोग अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करते रहें। और मुझे कहने में खुशी है कि गरिमा फाउंडेशन एक कदम सेवा की ओर जो कार्य कर रही है, जो हमारी बहनें हैं उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और स्वर्णकार समाज ने हमेशा इस क्षेत्र में सर्वधर्म समभाव की भावना पर मुहर लगाया है और उसकी मजबूती के लिए ही कार्य किया, जिसका परिणाम है कि आज हम सब लोग एकजुट होकर यहाँ पर रह रहे हैं। भागवत गीता का आयोजन श्री मैड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज एवं गरिमा फाउंडेशन के दोनों के सहयोग से यह कार्यक्रम सोनी भवन ब्राह्मण पारा में रखा गया है। इस आयोजन हेतु मुंबई से हमारे बीच में महाराज जी पधारे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं और साथ ही उनके साथी भी बिहार से पधारे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। इस प्रोग्राम में उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे बीच में विधायक महोदय अरुण वोरा जी का भी आगमन हुआ। हम उनको भी सोनी समाज की ओर से एवं गरिमा फाउंडेशन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आगामी किसी भी प्रोग्राम में वो ऐसे ही अपना स्नेह प्यार और आशीर्वाद हम सभी को देते रहेंगे। सभी को नमस्कार करती हूँ। यहाँ हमारे विधायक महोदय श्री माननीय अरुण वोरा जी उपस्थित है, जिनका मैं सादर नमन करती हूँ। वो हमारे इस फंक्शन में आए और हमें आशीर्वाद दिए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब हमने उनसे कहा कि गरिमा फाउंडेशन एक कदम सेवा की ओर एक भगवद गीता का प्रोग्राम करना चाह रहा है करके, तो उन्होंने बहुत ही खुशी के साथ हमारा सहयोग किया।
अनुदान राशि प्राप्त की और हमारे इस फंक्शन में आज प्रथम दिवस पधार कर हमें अनुग्रहित किया। हम इनके आगमन पर बहुत ही खुश हैं और आगे भी हम चाहते हैं कि इनका सहयोग और इस प्रकार का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। यहाँ मोक्षदायिनी श्रीमद् गीता भागवत ज्ञानयज्ञ तीन दिवसीय कथा का आयोजन जो है गरिमा फाउंडेशन की तरफ से श्री मेड क्षत्रिय स्वर्णकार जो है समाज के अंतर्गत हम लोग करा रहे हैं। और हमारे भी जो है कथावाचक आए हैं जो मुंबई से आए हैं, उनका नाम है पंकज द्विवेदी और वो बहुत ही अच्छा गीता का प्रचार करते हैं और हम सबको बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। और बाकी जितनी समाज की महिलाएं हम हमारे समाज के अंतर्गत कर रहे हैं, समाज की महिलाएं इस आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। हम पिछले एक महीने से इस आयोजन को लेकर घर घर निमंत्रण देने गए हैं। सबसे बहुत अच्छा, सब घर घर में इस बात को लेकर बहुत आयोजन के लेकर खुशी हो रही है। सब इसको सराह रहे हैं, हमारी सराहना कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारी गरिमा फाउंडेशन एक कदम सेवा की ओर से हम ऐसे ही धर्म कार्य है, गाय गरीब की सेवा है, हमेशा करते रहे, निरंतर हम आगे बढ़ते रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।